हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल द टेक टीवी। और आज की वीडियो में हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे रियलमी C21Y की। इस फोन में आपको दो वेरिएंट्स मिलते हैं। पहला है 3GB रैम 32GB स्टोरेज जिसका प्राइस है 8999। दूसरा है 4GB रैम 64GB स्टोरेज जिसका प्राइस है 9999। कलर्स की बात करें तो यहाँ पे हमें दो कलर वेरियंट मिलते हैं, क्रॉस ब्लू और क्रॉस ब्लैक। इसे मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था एंड कुछ इस तरीके की बॉक्स पैकेजिंग में मुझे ये फोन मिला है। यहाँ पे शिपिंग के दौरान ये बॉक्स खुल गया था, तो चलिए अब फोन को अंदर से निकाल लेते हैं। तो इस येलो कलर के बॉक्स में हमें फोन मिलता है। यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर वन क्वालिटी स्मार्टफोन ब्रांड। यहाँ पे आपको C21Y की ब्रांडिंग मिल जाती है, नीचे रियलमी की ब्रांडिंग मिल जाती है। पीछे की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको फोन के कुछ स्पेसिफिकेशन की डिटेल्स मिल जाती है। यहाँ पे आपको कलर वेरिएंट पड़ा हुआ मिल जाता है। जो मेरे पास कलर वेरिएंट है वो है क्रॉस ब्लू। फोन की सार वैल्यूज की बात करते हैं तो हेड की है 0.855 और बॉडी की है 0.674। फोन के एमआरपी प्राइस की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको एमआरपी प्राइस पड़ा हुआ मिल जाता है 10,999। बट जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये वाला वेरिएंट आपको ऑनलाइन मिल जाएगा सिर्फ 9999 में। तो चलिए बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो पसंद नहीं आया तो प्लीज़ वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिए। बॉक्स को खोलते ही सबसे पहले हमें एक ये छोटा सा बॉक्स रखा हुआ मिल जाता है। यहाँ पे आपको रियलमी की ब्रांडिंग मिल जाती है, उसी के साथ लिखा हुआ है अ ग्रेट स्टोरी सिंस द फर्स्ट लीप। और यहाँ पे आपको पीछे की ओर रखा हुआ मिल जाता है सिम इजेक्टर टूल। उसी के साथ यहाँ पे आपको कुछ वारंटी कार्ड्स एंड यूजर मैनुअल्स मिल जाते हैं। बॉक्स के अंदर हमें फोन के लिए कोई भी बैक कवर नहीं मिलता है। यहाँ पे हुआ है हमारा स्मार्टफोन, ये मेरे पास ब्लू कलर वेरिएंट है तो अभी के लिए हम लोग इसे भी यहां पे रखते हैं। उसी के साथ बॉक्स के अंदर हमें एक ये चार्जिंग केबल मिल जाती है और ये है एक यूएसबी ए टू माइक्रो यूएसबी केबल। अगर टाइप सी केबल होती तो और भी अच्छा होता। एंड लास्ट में हमें बॉक्स के अंदर रखा हुआ मिल जाता है ये व्हाइट कलर का एडाप्टर। रेटिंग्स की बात करें तो ये है एक 9V 2A यानी कि 18W का ये फास्ट चार्जर है। तो बस ये सारी चीजें हैं जो हमें बॉक्स के अंदर मिल जाती हैं। अब चलिए इन सभी चीजों को करते हैं साइड और आ जाते हैं अपने स्मार्टफोन पे। तो कुछ ऐसा लगता है हमारा फोन पीछे से। यहाँ पे आपको रियलमी की ब्रांडिंग मिल जाती है, उसके नीचे आपको स्पीकर ग्रिल मिल जाती है, इस जगह पे आपको फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है और पीछे की ओर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाता है, एक LED फ्लैश है। बाकी बैक डिजाइन की बात करते हैं तो फोन देखने में काफी अच्छा लग रहा है। उसी के साथ ये जो बैक है वो पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक का है। इस फोन का जो बैक है वो प्लेन नहीं है, यहाँ पे आपको छोटी छोटी लाइनिंग्स देखने को मिल जाएंगी। तो अगर मैं इसको स्क्रैच करता हूँ तो आप लोग आवाज भी सुन सकते हैं। फोन के फिजिकल ओवरव्यू की बात करते हैं तो नीचे की ओर आपको 3.5mm हेडफोन जैक मिल जाता है, उसके बगल में माइक्रोफोन है, सेंटर में आपको मिल जाता है माइक्रो यूएसबी पोर्ट, राइट हैंड साइड पे आपको मिल जाता है पावर ऑन ऑफ करने के लिए बटन, वॉल्यूम को कंट्रोल करने के लिए दो बटन्स मिल जाते हैं। फोन का टॉप एकदम क्लीन है, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिलता है। फोन के लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको सिम ट्रे मिल जाती है और यहाँ पे हमें इस फोन में मिलती है ये 3 स्लॉट्स वाली ट्रे, यानी कि एक टाइम पे आप इसमें 2 सिम कार्ड्स लगा सकते हैं और एक मेमोरी कार्ड। फोन की इन हैंड फील की बात करते हैं तो फोन हाथ में काफी अच्छी तरीके से फिट हो जाता है। इस फोन का साइज एवरेज है, ना बहुत बड़ा है ना बहुत छोटा है और फोन का वेट है 200 ग्राम। फोन के फ्रंट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलती है 6.5 इंचेस की एक HD+ IPS LCD डिस्प्ले। फुल HD+ होती तो और भी अच्छा होता बट यहाँ पे आपको सिर्फ HD+ डिस्प्ले ही मिलती है। ये डिस्प्ले आती है 60Hz के रिफ्रेश रेट के साथ, उसी के साथ यहाँ पे आपको 120Hz का सैम्पलिंग रेट मिलता है। फोन के OS की बात करते हैं तो इस फोन में आपको मिलता है Realme UI जो कि बेस्ड है Android 11 पे। उसी के साथ अगर प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पे आपको मिलता है Unisoc T610। तो चलिए एक बार इसके अबाउट फोन सेक्शन में चलते हैं। डिवाइस नेम आप लोग देख सकते हैं Realme C21, एंड्रॉइड वर्जन 11 है, Realme UI वर्जन है R Edition, 4GB रैम है, 64GB स्टोरेज है। उसी के साथ यहाँ पे आपको इस फोन में मिलता है ARM Mali G52 का GPU। फोन के सेंसर्स की बात करते हैं तो इस फोन में आपको हर प्रकार के पॉसिबल सेंसर्स मिल जाते हैं, जैसे कि मैग्नेटोमीटर, एक्सेलरोमीटर, प्रॉक्सिमिटी, जायरोस्कोप, फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक। फोन के कुछ एडिशनल फीचर्स की बात करते हैं तो ये फोन डुअल 4G वोल्टी को सपोर्ट करता है, वाईफाई कॉलिंग है, ब्लूटूथ 5.0 है, LPDDR4X रैम है, EMMC 5.1 स्टोरेज टाइप है। यहाँ पे आपको सिंगल बैंड वाईफाई
वाईफाई मिलता है, वाइड वाइन L3 का सपोर्ट है, उसी के साथ यहाँ पे आपको क्लोन एप्स और स्टेप ट्रैकर भी मिल जाता है। ये फोन कैमरा टू API को भी सपोर्ट करता है, यानी कि आप इस फोन पे गूगल कैम आसानी से इंस्टॉल कर पाएंगे। फोन की परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे आपको एक अच्छा प्रोसेसर मिलता है, तो डे टू डे यूसेज में आपको इस फोन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन पे जाने में आपको कोई भी लैग या फिर डिले नहीं मिलेगा। गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो आप इस फोन पे हाई एंड गेम्स को रन कर सकते हैं, एंड ये फोन हाई सेटिंग्स पे उन गेम्स को सपोर्ट भी करता है। बट अगर आप इस फोन पे गेम्स को लो टू मीडियम सेटिंग्स पे लगा के खेलेंगे तो आपको इस फोन में काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाएगा। फोन के कैमरास की बात करते हैं तो पीछे की ओर आपको ट्रिपल कैमरा स्लॉट्स मिल जाते हैं। प्राइमरी सेंसर है 13 मेगापिक्सल का, दूसरा एक 2 मेगापिक्सल का पोर्ट्रेट लेंस है और तीसरा एक 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस है। फोन के फ्रंट की बात करें तो यहाँ पे आपको एक ड्यू ड्रॉप नॉच मिल जाती है, उसी के साथ फ्रंट में आपको मिलता है 5 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा। फोन की बैटरी की बात करें तो यहाँ पे आपको 5000 mAh की एक बड़ी बैटरी मिलती है और इन द बॉक्स आपको एक 18W का चार्जर भी मिल जाता है, तो आराम से इस फोन की बैटरी 1 से 1.5 दिन चल जाएगी। फोन की प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको काफी सारी एप्लीकेशंस मिल जाती हैं, जैसे कि LinkedIn, Snapchat, Amazon, Prime Video, Booking.com और यहाँ पे आपको कुछ Realme की डिफॉल्ट एप्लीकेशंस भी मिल जाती हैं। बाकी अगर आप चाहें तो आप इन्हें आसानी से अनइंस्टॉल कर पाएंगे। तो चलिए एक बार इस फोन के कैमरा एप्लीकेशन को भी खोल लेते हैं। यहाँ पे आपको वीडियो मोड मिल जाता है, फोटो मोड मिल जाता है, पोर्ट्रेट मोड मिल जाता है और मोर के ऑप्शन में भी आपको काफी सारे मोड्स मिलते हैं, जैसे कि बर्स्ट मोड, फिल्टर्स, टाइम लैप्स, प्रो मोड, पैनोरामा, स्लो मोशन, मैक्रो और नाइट प्रो। बाकी अगर फोन के वीडियो रेजोल्यूशन की बात करें तो आप इस फोन के कैमरा से 480p, 720p और 1080p वीडियोस को रिकॉर्ड कर पाएंगे और वीडियो के लास्ट में मैं इस फोन के कैमरे से खींची हुई कुछ सैंपल्स को अटैच कर दूंगा ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि इस फोन की कैमरा क्वालिटी कैसी है। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया कि फोन के बैक में आपको मिल जाता है फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक, मैंने दोनों ही चीजों को सेटअप कर लिया है, तो चलिए एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं। तो काफी अच्छी तरीके से फिंगरप्रिंट सेंसर काम करता है, बट यहाँ पे मुझे एक चीज देखने को मिली। फोन को अगर आप फ्रंट से देखेंगे तो फोन के कलर्स काफी अच्छे दिखते हैं, बट अगर मैं फोन को हल्का सा टिल्ट करता हूँ साइड में तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फोन के जो कलर्स हैं वो हल्के से ब्लैकिश हो जाते हैं, तो ओवरऑल जो फोन की डिस्प्ले है वो मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी। अब एक बार इसका फेस अनलॉक भी चेक कर लेते हैं। तो जो फेस अनलॉक है वो भी काफी अच्छी तरीके से काम करता है। तो ये थी एक अनबॉक्सिंग और छोटा सा रिव्यू इसी Realme C21Y की। फोन की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो मुझे काफी अच्छी लगी। फोन आपको डे टू डे यूसेज में काफी अच्छी तरीके से परफॉर्म करता हुआ दिखेगा। हेवी एप्लीकेशंस को भी फोन काफी अच्छी तरीके से हैंडल कर लेता है। गेम्स जैसे कि मैंने आपको बताया कि लो टू मीडियम सेटिंग्स पे चलाएंगे तो काफी अच्छा होगा। उसी के साथ फोन में मुझे कुछ कमियां भी लगी हैं, जैसे कि मुझे इसकी डिस्प्ले उतनी अच्छी नहीं लगी है। सेकंड, मुझे इसका जो कैमरा है वो भी एवरेज क्वालिटी का लगा है। बाकी अगर फोन के अंदर हमें टाइप सी पोर्ट मिलता तो और भी अच्छा होता। तो ओवरऑल जो इस फोन का मुझे प्राइसिंग लगता है वो थोड़ा सा ज्यादा लगता है। अगर इस फोन का 4GB 64GB वाला वेरिएंट 8.5 या फिर 9000 का भी होता तब भी ठीक था, बट अभी के लिए मुझे ये फोन थोड़ा सा महंगा लगता है। बाकी आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको ये फोन कैसा लगा। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो पसंद नहीं आया तो प्लीज वीडियो को डिसलाइक करिएगा, एंड अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिए। बाकी मैं आपसे मिलता हूं एक नए वीडियो में। अंटिल देन, बी हैप्पी, बी सेफ।